हेलो फ्रेंड्स यार, अगर आप लोग अपने क्लास 12th बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपके पास एक आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए। भाई आइडियल टाइम टेबल वो होता है जो आपके लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि भाई हर बंदे का माइंड अलग होता है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अपने अकॉर्डिंगली टाइम टेबल को डिज़ाइन करते हैं ताकि हम लोग टाइम टेबल के साथ फैमिलियर रहें और चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, समझें, याद करें, तभी तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो भाई आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि क्या होना चाहिए आइडियल टाइम फॉर क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज सर्च एंड लेट्स स्टार्ट। भाई जो आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप लोगों के पास अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो आप लोगों ने 30 से 40 मिनट्स देने हैं हर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को डेली। बट डेली 30 से 40 मिनट दो अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो गए बिजनेस स्टडीज हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और भी जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आपके पास हैं आप उनको 30 से 40 मिनट दो हर एक दिन में। और जो आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं आपको उन्हें कम से कम 1 आवर देना है ईच सब्जेक्ट, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल में आपको कंसेप्ट भी पढ़ना है, यानी कि थ्योरी भी पढ़नी है या फॉर्मूले भी पढ़ने हैं, और साथ साथ उनको अप्लाई करके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को आपको कम से कम 1 घंटा डेली देना ही देना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। एटलीस्ट 1 डे फॉर रिविज़न। भाई एक दिन ऐसा रखो जिसमें भाई आप लोग सारा का सारा रिवाइज करोगे। आप 6 दिन पढ़ो अच्छे से और एक दिन वीक का जो होता है वो रिविज़न के लिए रखो, ताकि आप लोग सारा का सारा अपना कंसेप्ट या जो भी चीज़ आपने पढ़ी है आप उनको रिवाइज कर सको। भाई रिवाइज करते रहोगे ना साथ साथ तो आप लोगों की कमांड बनी रहेगी सब्जेक्ट्स के साथ। ट्राई टू फाइंड आउट योर लर्निंग स्टाइल। बच्चों होता क्या कि हर एक बंदे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिख लिख के याद करते तब उनको याद होता है, कुछ लोग वीडियोस देख के याद करते हैं, कुछ लोग बोल बोल के याद करते हैं। तो भाई आपको करना क्या है, आप लोगों को अपना लर्निंग स्टाइल फाइंड आउट करना है कि मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है। आप लोग अपने लर्निंग स्टाइल को पता लगा लोगे तो आपको क्या होगा, आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और लर्निंग स्पीड बढ़ेगी तो आप फटाफट से सारी चीज़ों को याद करोगे, समझोगे, पढ़ोगे और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। कंसर्न मोर ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाई सीबीएसई का फंडा क्या रहता है, सीबीएसई में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन अपना दिखाओ। सो आई होप आप लोगों को टाइम टेबल समझ आ गया है। आप लोगों को 30 से 40 मिनट देने हैं हर एक थियोरटिकल सब्जेक्ट्स को और 1 आवर देना है हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। एक दिन रखना रिवीजन के लिए और अपना लर्निंग स्टाइल फाइंड आउट कर लो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट दिखाओ। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8800797331, मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।